नमस्कार, अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तरकाशी में मौसम बदलाव के बाद मूसलाधार बारिश बनी हुई है। इसके साथ ही झमाझम बारिश के साथ तापमान में भी भारी गिरावट आई है। जिले के हर क्षेत्रों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार कल तक बारिश और बर्फबारी होने का आसार बताया गया है। बता दें कि न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीर को देखिए, किस तरह से माँ गंगा का मंदिर सफेद चांदी की तरह चमक रहा है। गंगोत्री धाम, भैरव धाम, मां गंगा का शीतकालीन प्रभाव मसूबा हर्षी। साथ ही बता दें कि झाला, धड़ाली, सूखी टॉप और दायर बुंखियाल के साथ तमाम जगह जो है बर्फ की सफेद चादर में लपटी हुई नजर आ रही है। और ये उत्तरकाशी की तस्वीर, जहां पर बता दें कि लगातार बर्फबारी हो रही है और पूरा उत्तरकाशी बर्फ की सफेद चादर में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। इसकी तापमान में काफी गिरावट आई है और उत्तरकाशी के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी तापमान में काफी गिरावट देखने को मिल रही है। थराली के विधानसभा के नारायण बगड़ मंडल के, बता दें कि दिलीप सिंह नेगी को विधायक प्रतिनिधि बनाने पर बीजेपी कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और व्यापारियों में, बता दें कि फूल मालाओं और मिष्ठान वितरण का भव्य स्वागत कर खुशी का इजहार किया है। व्यापारियों ने कहा है कि लंबे समय के बाद एक कुशल प्रशासनिक क्षमता, लंबे राजनीतिक अनुभव, कुशल रणनीतिकार और हर बार चाणक्य की भूमिका निभाने वाले और दो बार मंडल अध्यक्ष रहे, जिनके नेतृत्व में कई चुनाव जीते गए हैं। ऐसे में कद्दावर नेताओं को विधायक भोपाल राम टमटा द्वारा अपना प्रतिनिधि बनाना क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। इसका लाभ पार्टी को क्षेत्र में ही मिलेगा। लश्कर के उप जिलाधिकारी ने मुखबिर की गुप्त सूचना मिलने पर अवैध खनन में देर रात बड़ी कार्रवाई की है, जिसके मौके पर ही जेसीबी के और साथ ही 9 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े गए हैं। साथ ही एक ट्रैक्टर और एक डंपर को भी अवैध खनन सामग्री परिवहन करते हुए पकड़ा गया है। लक्सर उप जिलाधिकारी गोपाल राम बिनवाल ने बताया है कि लंबे समय से सोलानी नदी में चल रहे अवैध खनन के गुप्त रूप से शिकायत मिल रही थी। शिकायत को पुख्ता करते हुए देर रात को सोलानी नदी में कार्रवाई की गई। अवैध खनन कर रहे एक जेसीबी मशीन सहित 9 ट्रैक्टर ट्रॉली को मौके पर पकड़ लिया गया है, जबकि सभी चालक भागने में कामयाब रहे हैं। ऐसे में डंपर और एक ट्रैक्टर ट्रॉली को अवैध खनन सामग्री का परिवहन करते हुए पकड़ा गया है। सभी के खिलाफ अवैध खनन की रिपोर्ट बनाकर जिलाधिकारी महोदय को भेज दिया गया है। लश्कर में किसी भी क्षेत्र में अवैध खनन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लश्कर तहसील प्रशासन सीधे तौर पर बड़ी कार्रवाई करेगा, और लेकिन अवैध खनन करने वालों को बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा। सोनाली नदी के किनारे काफी दिनों से शिकायत आ रही थी कि वहां पर कुछ खनन माफिया रात को काम कर रहे हैं। पुख्ता सूचना पर कल रात एक छापामारी का कार्रवाई की गई, जिसमें वहां पर मौके पर एक जेसीबी और 9 ट्रैक्टर पकड़े गए, और इसके अतिरिक्त एक डंपर अतिरिक्त पकड़ा गया। कुल मिलाकर के 11 वाहन कल रात को अवैध खनन और परिवहन में पकड़े गए। उनके विरुद्ध नियमानुसार रिपोर्ट बनाकर के जिलाधिकारी महोदय को आवश्यक कार्य प्रेषित किया गया। सर, नानकमत्ता पुलिस ने चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से एक चोरी की बाइक भी बरामद कर ली गई है। आरोपियों की पूछताछ के बताया गया है कि उन्होंने कार और का शीशा तोड़कर मोबाइल भी उड़ाया था। वहीं बाउली साहब रोड पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान बिना नंबर की बाइक को भी जाँच की है। बाइक सवार से दस्तावेज मांगने पर वे नहीं दिखा पाया, इसलिए पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। पूछताछ में पकड़े गए निर्मित राणा निवासी गढ़ी पट्टी को बताया है 29 दिसंबर को उसने गुरुद्वारा परिसर में बाइक चोरी की थी। इसके अलावा गुरुद्वारा अस्पताल से कार का शीशा तोड़कर मोबाइल भी चोरी की थी। बता दें कि उसकी निशानदेही पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार और किया गया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी की बाइक, आईफोन बरामद कर लिया गया है। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद कोर्ट में पेशी की गई है। आरोपियों को जेल भेजा गया है। पुलिस के द्वारा 2 चोरियों के मुकदमे में अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। एक मोटरसाइकिल का चोरी का था और एक आईफोन चोरी का मुकदमा था, तो दोनों में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है।
बाइक भी बरामद हो गई और मोबाइल फ़ोन भी बरामद हो गया है। अब तीनों मुलजिमों का रिमांड लिया जा रहा है और इसमें विवेच का प्रचलन। चलिए अगली खबर हरिद्वार से आपको बता दें, जहां पर बता दें कि डीपीएस स्कूल के डिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन साथ ही बता दें कि इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के बीच क्रिकेट मैच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला है और इस दौरान विकास अधिकारी प्रदीप जैन ने जानकारी देते हुए बताया है कि आज डीपीएस स्कूल भेल हरिद्वार में इंडस्ट्रियल एसोसिएशन साथ ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच क्रिकेट मैच का मुकाबला हुआ और इस दौरान उन्होंने बताया है कि उक्त मुकाबले में बारा दरबाद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन सिडकुल एसोसिएशन रुड़की स्मॉल और साथ ही इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के जिला अधिकारी के आदेश पर उनके उक्त रोमांचक मुकाबले में हिस्सा लिया गया। मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन ने बताया है कि जिला अधिकारी के आदेश पर इन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है जिसमें पहली पारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा बल्लेबाजी करते हुए खेली गई है जिसमें 141 रन और 20 ओवर में बनाए गए हैं। वहीं इंडस्ट्रियल एसोसिएशन को 8 रनों से शिकस्त खानी पड़ी है। बड़े लंबे समय से हम लोग सोच रहे थे कि इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के साथ एक क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज किया जाए। इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, पिछले 15 दिनों से बहुत अच्छी तैयारी करी आप सभी लोगों ने, जो भी आयोजन करता है उनके साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने आज मैच किया है। तो मैं पहले तो सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा भाद्रवाद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का, सिडगुल एसोसिएशन का, वैसे ही रुड़की स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन भी स्पॉन्सर रही इस क्रिकेट मैच की। साथ में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत अच्छे से डीएम सर का नेतृत्व रहा, एसएसपी सर भी रहे, मैं रहा और एडीएम साहब, एसडीएम सारे सब ने बहुत ही अच्छे से इस कंपटीशन को एंजॉय किया। डीपीएस के मैदान में यहाँ पे हमने मैच खेला है तो मैं प्रिंसिपल साहब डीपीएस का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया हम सब लोगों के लिए मैच। सबसे पहले पहले मैं आपको बताऊँगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले बैटिंग करी थी तो हमने 141 का एक बहुत अच्छा स्कोर खड़ा किया 20 ओवर में और उसके बाद मैच बड़ा रोमांचक रहा लास्ट बॉल तक, बहुत ज़्यादा सस्पेंस बना रहा, एकदम कट टू कट मैच चल रहा था। जो इंडस्ट्रीज एसोसिएशन है उनके भी बहुत सारे बल्लेबाजों ने काफ़ी अच्छी बैटिंग करी और मैच बहुत अच्छे से क्लोज हुआ। मेरे ख्याल से 4-5 रन से ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे जीत पाया है 8 रन से। एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्री T20 2023 टूर्नामेंट हुआ है, मैच हुआ है और मैं इसके लिए जितने भी हमारे इंडस्ट्री से जुड़े हुए एसोसिएशन हैं, भगवानपुर, रुड़की, हरिद्वार, भाद्राबाद, 6 एसोसिएशन ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया और एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी टीम पूरे जिले की इसमें उसने जिलाधिकारी के नेतृत्व में पूरे जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया है। मैं दोनों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और ये अच्छा इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए। एक दूसरे से इंटरेक्शन जब हो पड़ता है तो उसका लाभ भी मिलता है, लोग जो कुछ तनाव में रहते हैं वो तनाव से मुक्त होते हैं और खेल भावना से आज सब लोग खेले हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमारे डीएम साहब को भी मैं बधाई दूंगा कि उनकी टीम विजयी हुई है 8 रनों से और हमारे जो डीपीएस स्कूल के प्रिंसिपल हैं, डीपीएस पूरी फैमिली को मैं बधाई देता हूं, उनको धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने अपना इतना सुंदर ग्राउंड प्रोवाइड कराया। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा माल रोड की सतह को नीचे कर मार्ग सुधारीकरण का कार्य किया जाना है जिसको लेकर शिलान्यास कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा किया गया है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा कहा गया है कि मसूरी का दिल कहीं जाने वाला 2 किलोमीटर की माल रोड का कार्य बार बार होने से माल रोड की ऊंचाई ज्यादा हो गई है जिससे बरसात का पानी दुकान और घरों के अंदर आ जाता है। आए दिन लोगों को परेशानियां होती है लेकिन माल रोड को 8 इंच नीचे खोदकर 6,77,00,000 की लागत से इसका सौंदर्यकरण किया जाना है। वहीं मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के एक्शन अतुल गुप्ता ने कहा है कि माल रोड का कार्य होने से माल रोड ऊंची हो गई है और दुकान नीचे हो गए हैं जिससे पानी घरों और दुकानों के अंदर आ जाते हैं, जिससे सड़क को 8 इंच खोदकर सड़क का पुनर्निर्माण किया जाएगा। व्यापारी साथी इस समस्या से बहुत परेशान थे, लगातार रोड, क्योंकि जितनी बार रोड बनती थी उसकी लेयर ऊंची होती जाती थी और आज स्थिति यह आ गई कि लोगों की दुकानें नीची हो गई और सड़क ऊंची हो गई। पिछले बरसात में उनकी दुकानों में जब पानी भरा तो मुझे, मैं वहां पर आया था मौके पर और मैंने उनसे वादा किया था, मैंने उनको आश्वस्त किया था कि हम इसको
शीघ्र हम इसको बनाएंगे और आज 6,77,00,000 की लागत से इस सड़क का निर्माण हम कर रहे हैं। ये जो मसूरी की माल रोड है ये लगभग 2.2 किलोमीटर लंबी है और इसमें यहाँ की दुकानें इतनी नीची हो गई हैं, कई बार सड़क बनने के बाद सड़क ऊंची हो गई है और दुकानों के अंदर पानी चला जाता था। इसको देखते हुए एक DPR तैयार की गई है 6.77 करोड़ रुपए की और उसमें ये व्यवस्था की गई है इस सड़क को 8 इंच खोदने के बाद इसका पुनर्निर्माण किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक रायवाला में हुई है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम सहित कई पदाधिकारी बैठक में शामिल हुए हैं। बैठक के दौरान आगामी नगर निकाय चुनाव और लोकसभा में जीत हासिल करने के लिए रणनीति तैयार की गई है। सरकार की नीतियों और योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया गया है। निर्णय लिया गया है कि नगर निकाय और लोकसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ता अभिषेक जान लगा रहे हैं और जान से इस कार्य में जुटे हुए हैं। ये कार्यशैली आज 29 तारीख 12 बजे और कल तक चलेगी, कल शाम तक चलेगी। आज इसमें प्रदेश के जितने हमारे पदाधिकारी हैं और जितने हमारे जिलों के 10 जिलों के महामंत्री हैं, इसके बाद जिलों के 6 प्रभारी और प्रभारी, वो लोग इस कार्य बैठक में रहने वाले हैं और कल जो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जो है आरम्भ करेंगे, उसके पता पूरी कैबिनेट से रहेगी, पूरे विधायकगण रहेंगे, प्रदेश के लगभग सभी नेता रहने वाले हैं, उनका मार्गदर्शन मिलेगा। निश्चित रूप से हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, कहीं ना कहीं सुचारू रूपरेखा बनेगी। अभी तक हमारा केवल संगठन विस्तार का कार्यक्रम है, अब ये नियमित रूप से हमारे प्रदेश कार्य समिति होती है, इसके बाद जिला कार्य समिति, इसके बाद मंडल कार्य समिति होती है, तो उसी के अंतर्गत कार्य समिति। आगामी महाशिवरात्रि के अवसर पर भारत ही नहीं बल्कि मॉरिशियस के 350 शिवालयों में भी महादेव के जलाभिषेक और साथ ही बता दें कि जल अभिषेक तीर्थ नगरी के पवित्र गंगा जल से किया जाएगा। गंगा जल की बोतलें आज त्रिवेणी घाट पर भर ली गई है जिसको पैकिंग के बाद दिल्ली के लिए भेज दिया जाएगा और दिल्ली से बाई फ्लाइट इसे गंगा जल को मॉरिशियस भेजा जाएगा, जहाँ पर बता दें कि 24 फरवरी की रात को विधि विधान से पूजा अर्चना कर देव का जल अभिषेक गंगा जल से किया जाएगा। वही शक्ति लिंग कॉम्प्लेक्स इंडिया ने इस दूसरी बार गंगा जल भेजने का कार्यक्रम किया है। शहर के प्रथम नागरिक मेयर अनिता ने इस गंगा जल को मॉरिशस में भेजने का संस्थान के लोगों को बधाई दी है। मॉरिशस में 350 शिवालय हैं, उन शिवालयों में रुद्र अभिषेक होगा और महाशिवरात्रि के दिन होगा, उसके लिए गंगा जल मॉरिशस जा रहा है और इसमें हमारे साथ राजेश वत्स जी का बहुत सहयोग है और घनश्याम जी तो सारा कार्यक्रम यहाँ संभाल ही रहे हैं और हम इनके जी किसके थ्रू जा रहा है, मतलब ये शक्ति लीगल कंप्लायंस की एक सेवा है। हम सेकंड टाइम गंगा जल शिवालय के लिए 350 शिवालय हैं उनके लिए मॉरिशस में भेज रहे हैं। आपका नाम क्या है? एस के शर्मा। आप कहाँ से? हम दिल्ली से। श्रीनगर गढ़वाल के प्राचीन कमलेश्वर मंदिर में एक अनोखी पूजा का आयोजन किया गया है जिसमें बता दें कि घृत कमल पूजा कहा जाता है। यह पूजा पूरे भारत में सिर्फ कमलेश्वर मंदिर में होती है। इस पूजा में शिवलिंग में घी से श्रृंगार करने के साथ ही मंदिर से महंत नग्न अवस्था में जमीन पर लेटकर भगवान शिव की आराधना और मंदिर का परिक्रमा करते हैं। जो अचला सप्तमी घृतकमल पूजा है ये पौराणिक काल से चली आ रही पूजा है। इसका जो कथा है वह यह है कि तारकासुर नाम का एक राक्षस था जिसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि वह शिव के पुत्र से मरे, क्योंकि उसे पता था कि भगवान शिव जो है दूसरा विवाह करेंगे नहीं पहली पत्नी के सती हो जाने पर। तो जब उसने सारे समस्त ब्रह्मांड में जो है ये वो कर दिया, अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया, तो जो है भगवान सारे देवता जो है भगवान माता सती के पास गए कि हमारी रक्षा कीजिए। तो माता पार्वती ने बोला कि मैं हिमालय पुत्री के घर में जन्म लेती हूँ और उसके आप लोग जो है शिव जी को जागृत करो। कार से अलग क्योंकि यहाँ पे विशेषकर 56 प्रकार के भोग, जैसे कि आपने पूछा, 56 प्रकार के भोग भगवान कमलेश्वर को लगाए जाते हैं और उस भोग का निर्माण कमलेश्वर महंत जी के
द्वारा ही यहाँ पे कराया जाता है, जो उनके धर्मपत्नी अर्धांगिनी हैं वही इस भोग को पकाती हैं और भगवान कमलेश्वर को अर्पण किया जाता है। उसके उपरांत भगवान कमलेश्वर जी को दिव्य श्रृंगार से जो है सजाया जाता है। सूबे के उच्च हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। भू बैकुंठ धाम श्री बद्रीनाथ क्षेत्र में भी जमकर हिमपात हो रहा है। हालांकि शीतकाल का कपाट बंद होने के चलते धाम की सुरक्षा और साथ ही आईटीबीपी के हिमवीर जवान मुस्तैद है, लेकिन बता दें कि मोक्ष धाम में कृतपय लोगों द्वारा सीजन के अपने पशुधनों को चुगान और साथ ही छोड़ दिया गया है, जो आज भी बर्फबारी में ठंड और भूख के चलते खुले बर्फ में आगोश में मरने को मजबूर है। बद्रीधाम में शीतकालीन बता दें कि शीतकाल की बर्फबारी में इस बेजुबा पशुओं को यू बेसहारा सहाय छोड़ने वाले लोगों को गौ माता का इस तरह तिरस्कार करना वो भी मोक्षधाम बद्रीनाथ में काफी शोचनीय का विषय है। शिवशेष परिवार के संस्थापक साहब बता दें कि श्रीहर रुद्रनंद का अस्तित्व कमल कलश हरिद्वार में नमामि गंगे चंडी घाट में पूर्ण विधि विधान और साथ ही वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मां गंगा के विसर्जित किया गया है। वही बता दें कि बिहार झारखंड बंगाल और असम में हजारों की संख्या में भक्त द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। बता दें कि श्री हरिंद्र चंद्रनंद के देश विदेश के 6 करोड़ से ज्यादा अनुयायी है, जो उनके विचारों पर अपना जीवन यापन करते हैं। उनके पुत्र अर्चित आनंद के द्वारा अस्थि कलश को विसर्जित करते हैं। साहब श्री हनुमान जी की अस्थियों का विसर्जन चंडी घाट पे हुआ है और ये अंतिम पड़ाव था अस्थि विसर्जन का। तो हम लोगों ने तो किसी को यहाँ बुलाया नहीं है, क्योंकि बुलाने का मतलब लाखों की भीड़ होती है, लेकिन लोगों की अपनी आस्था साहब के प्रति एक स्नेह है। तो मुझे लगता है 5-10 हज़ार लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं आज और सभी लोग बड़े संयमित तरीके से इन्होंने विसर्जन किया है। यहाँ से वापस हरिद्वार, हरि का द्वार है, यहाँ से वापस साहब का संदेश लेके पूरी दुनिया में लोग जाएंगे, फैलाएंगे कि शिव जो हमारे गुरु हैं वो आपके भी हो सकते हैं। इसी व्यवस्था के तहत हम लोग को आगे बढ़ना है। देखिए, उन्होंने इस दुनिया को एक ऐसी विधा दी जो आज तक किसी ने नहीं दी, कि उस शिव की बात की जो घर घर के बाबा हैं और सदियों से हमारे यहाँ पूजे जाते हैं। उन्होंने कहा कि उस बाबा को आप भगवान मानते हैं। अपना उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया देखना ना भूलें। नमस्कार।